शनिवार को बेगूसराय जिले के खुदाबंद प्रखंड क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं का गोद भराई कार्यक्रम आयोजित की गई। दौलतपुर पंचायत के चलके गांव स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 85 पर आयोजित कार्यक्रम में धात्री महिलाओं के साथ बैठक कर स्तनपान के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह के समापन के मौके पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा समुदाय आधारित बैठक किया गया। पीरामल फाउंडेशन के बीटीओ शशिकांत मिश्रा, बीसीएम दयाशंकर पासवान, सेविका काजल कुमारी, सहायिका शर्मिला कुमारी एवं आशा कार्यकर्ता सविता कुमारी ने धात्री महिलाओं को स्तनपान के बारे में विस्तृत जानकारी दी और माताओं से अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाने की अपील की। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय के खोदावनपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। आज दिनांक 7 अगस्त 2021 को गोद भराई रस्म प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोदावनपुर अंतर्गत दौलतपुर पंचायत में किया गया, जिसमें बीसीएम दयाशंकर पासवान, पीरामल स्वास्थ्य शशिकांत मिश्र, बाल विकास परियोजना के महिला पर्यवेक्षिका रामा कुमारी एवं आशा फैसिलिटेटर शांति कुमारी ने क्षेत्र भ्रमण कर गोद भराई रस्म पर विस्तार से बताया। गोद भराई का रस्म इसलिए किया जाता है ताकि जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य सुरक्षित हो एवं गोद भराई के साथ साथ स्तनपान सप्ताह का समापन कार्यक्रम भी सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं जीविका ने किया, जिसमें गोद भराई रस्म में गर्भवती माता को यह बताया गया कि जब मां गर्भ धारण करती है तब से लेकर पौष्टिक आहार माता को लेनी चाहिए ताकि माँ और बच्चों में उनका मानसिक संतुलन एवं कमजोरी महसूस नहीं हो। अगर पौष्टिक आहार लेते हैं तो माँ जो पौष्टिक आहार लेती है उसके आधार पर बच्चों का ग्रोथ होता है और बच्चे आगे चलकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं।